बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल ने कोविड 19 की स्थिति को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व बीजेपी विधायकों के साथ बैठक कर इस महामारी की वर्तमान स्थिति, इसे रोकने के उपाय व लोगों को जागरूक करने के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वहीं मंत्री राजीव सैजल का कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या लगातार बढ़ना काफी चिंताजनक है और ऐसे में इसे रोकने के लिए कोई वैक्सीन न होने पर SMS फार्मूले का इस्तेमाल करना काफी जरूरी हो गया है, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना व सैनिटाइजर जैसे त्रिसूत्रीय फार्मूला का प्रयोग कर कोरोना महामारी से बचा जा सकता है, जिसके लिए प्रदेश भर में जल्द ही प्रशासन द्वारा सामाजिक व धार्मिक संस्थानों, महिला मंडल, युवाओं सहित पंचायत प्रधानों के साथ मिलकर पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने जयराम सरकार के 2.5 सालों के कार्यकाल में 1,250 चिकित्सकों की भर्ती करने के लिए CM जयराम ठाकुर का आभार जताते हुए अगले एक साल में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में खाली पड़े लगभग 500 चिकित्सकों की भर्ती कर प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एक भी चिकित्सक की कमी न होने का दावा किया है। वहीं राजीव सैजल ने आयुर्वेदा को कृषि व पर्यटन से जोड़कर प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आयुर्वेदा के क्षेत्र में कई कंपनियों द्वारा MOU साइन करने और निकट भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात भी कही। अन्य और भी जो एलाइट स्टाफ होता है, ड्राइवर्स हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो हमारा जो है प्रयास है और कि भाई जल्दी जो है इन रिक्त पदों को जो है भरा जाए, और एक ये सतत प्रक्रिया है। काफ़ी रिक्विजिशन हमने डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनके माध्यम से सरकार जो है वो कर्मचारियों की भर्ती करती है, तो उनको जो है हमने रिक्विजिशन जो है प्रोसेस में। अब क्या सर, और ठाकुर जयराम जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आने के बाद 1200 से अधिक डॉक्टर्स पूरे प्रदेश में तैनात किए गए हैं, और ये हिमाचल के इतिहास में अब तक इतने कम कार्यकाल, इतने छोटे से अरसे में जो है होने वाली सबसे बड़ी जो है वो रिक्रूटमेंट है डॉक्टर्स की। आगे आने वाले एक वर्ष के अंदर एक भी डॉक्टर की पोस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में खाली नहीं रहेगी। अच्छा, ये टारगेट है? ये टारगेट है। क्या बात है।